अब बीजेपी से राज्य में मानसिकता एक ही है कि सिखों का नुकसान किया जाए, सरकारों को गले लगाया जाए। और हमें इस लड़ाई का खमियाजा क्यों उतना पड़ रहा है? सरकारें हमारे खिलाफ क्यों है? हमने अपने सिखों की बात को नहीं किया, देश और दुनिया में बताना कैसे सिख है कि इसलिए ये तो स्पष्ट सामने इस मुद्दे को चुनाव में जरूर ये मुद्दा सामने क्या चुनाव के लोगों को पता नहीं है। ये जो काम करेंगे लोग उनको लोग पहचानेंगे। चुनौतियां हैं इस बार सिखों की जगह? कोई चुनौतियां कभी भी नहीं थी। गुरु के सिख के सामने कोई चुनौती नहीं है। जिसने अरदास करके चला उसके लिए चुनौती नहीं है, और जिसका विश्वास ही गुरु में नहीं उसके पास चुनौतियां चुनौती है। हमारा विश्वास गुरुदेव बहादुर साहब के चरणों में है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। गुरु साहब अपने आप कृपा करेंगे, हमने उस पर छोड़ रखा। दो साल बेमिसाल, बिल्कुल दो साल बेमिसाल, अगले चार साल होंगे और बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया रहा। जितने केस भी रद्द कराएंगे, वो सारे केस रद्द कराएंगे। यही सरकार लड़ाई लड़ रही है हमारी, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। अगर मगर के अंदर ही परम जी सिंह सरना टिकट कटी गई, अगर मगर के चक्कर च कैंडिडेट बदल गया, अगर मगर के चक्कर च कमेटी बदल गई, अगर मगर के चक्कर च दो बरा घर बह गए, अगर मगर के चक्कर चीजी रोन घर बहन गए, अगर मगर कुछ नहीं। इको ही गल किया की दसो, बंद पे खंडर हॉस्पिटल में दो साल चालू करके दिखाता ना, नहीं कर सके ना तुम, क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अगर और मगर करता ना गुरु गोबिंद सिंह पवंदा 13 तरीक विसाखी वाले दिन चालू करेंगे, क्योंकि अगर तो मगर कुछ करती ना प्रिंटिंग प्रेस। गुरु तेग बहादुर साहब जी के स्थान के उत्ते महान गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की छपाई का केंद्र बनाता ना आलीशान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर तो मगर भी है। इस करके अगर मगर कुछ नहीं, सिद्धि गल दस, करोगे की वो छो किता की आओ दस। कई पंथक जनतक आए ने, कई जाएंगे। जदों तक गुरु तेग बहादुर साहब के दर की कृपा नहीं होती, किसी दल की कृपा नहीं हो सकती। भावें वह दल सरकार का बीजेपी का हो, भावें वह दल बीजेपी के नाल कांग्रेस का हो, भावें वह दल समाजवादी पार्टी का हो, किसी का दल हो, कोई दल कुछ नहीं कर सकता। जो करूँगा तो गुरु तेग बहादुर साहब का दल। थैंक यू।